फ्रेंड वेलकम मुंडा ब्लॉग प्रोडक्शन में एक नया ब्लॉग वीडियो पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं खूंटी के चार पांच ऐसे जगह जो कि आप लोग देखे नहीं होंगे, और देखे भी होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया करके इस वीडियो को देख ले। और वहां पर आप घूमने जा सकते हैं, कुछ पार्टी करने जा सकते हैं, केक अपना बर्थडे पार्टी मनाने जा सकते हैं, और कुछ ऐसे ही घूमने के लिए फोटोशूट वगैरह सब कुछ, मतलब अच्छा अच्छा जगह दिखाने वाले हैं जो कि खूंटी में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, अभी आ गए हैं खूंटी का फेमस न्यू पार्क जो कि सैनिटेशन पार्क के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर ने यहाँ एकदम वीडियो बनाकर चल दिए, जो कि मजनू भाई हुआ यहाँ पर डांस बनाया है, डांस का शूटिंग यहीं पर हुआ था उसका, जो कि हमने आकर देखे थे उसका एकदम शूटिंग, जो कि बहुत भयंकर चल रहा था, जो कि यहाँ एकदम बड़े बड़े एकदम डांस सब कुछ का शूटिंग चलता है दोस्तों। तो आप लोग अगर शूटिंग करना चाहते हैं सैनिटेशन पार्क में तो यहाँ आ सकते हैं, जो कि यहाँ का नज़ारा बहुत मस्त है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आने के लिए सीधे खूंटी नीचे चौक से लेकर खूंटी बजरटांड तक जाते टाइम एक दाहिना तरफ सैनिटेशन पार्क जो कि साइन बोर्ड लगा हुआ है रोड के किनारे ही है सामने में, जो कि आप लोग यहाँ जल्दी ही पाइएगा ये बता। जी हाँ दोस्तों, अभी सैनिटेशन पार्क आ चुके हैं, यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ का खास बात यह है कि बैठने के लिए सुविधा है, यहाँ पर बाथरूम के लिए सुविधा है, पानी पीने के लिए भी सुविधा है इधर में, और बैठने के लिए बहुत सुविधा है दोस्तों। और यहाँ जिम वम करने का भी सुविधा है, सारा कुछ बच्चा लोग भी खेल सकता है इधर में, बहुत कुछ का सुविधा है इस पार्क में, जो कि आप लोग घूमने आ सकते हैं, यहाँ मस्त पार्क है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं खूंटी का सबसे पुराना पार्क जो कि बिरसा पार्क है, जो कि ये कचहरी मैदान के किनारे में बिरसा पार्क है। और यहाँ घूमने आप लोग आ सकते हैं, जो कि यहाँ हर कोई बर्थडे पार्टी करने आता है, घूमने आता है, फोटोशूट करने आता है, वीडियो शूटिंग करने के लिए लोग आते हैं, जो कि खूंटी में ये पार्क बहुत प्रसिद्ध पार्क है, जो कि बहुत पुराना पार्क है। यहाँ लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, फोटोशूट के लिए आते हैं, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, शूटिंग के लिए आते हैं, जो कि बहुत कुछ यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ का नज़ारा घुमाते हैं और दिखाते हैं कि नज़ारा कैसे है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐप, और प्यारा सा कर दीजिए कुछ कमेंट, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो अब तक पहुंचते रहे इसीलिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। और चलते हैं फिर नेक्स्ट जगह जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो दोस्त, अभी आए हैं खूंटी के ऐसे जगह जो यहाँ जंगल ही जंगल, और यहाँ फोटोशूट वगैरह वीडियो शूटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा एकदम वीडियो शूटिंग करने के लिए आते हैं लोग, जो कि मुंडारी वीडियो हुआ, आई बेवफा हुआ, बहुत कुछ यहाँ पर वीडियो शूटिंग हो चुका है। और यहाँ बहुत फेमस है खूंटी में हमारे यहाँ, जो कि जंगल बहुत मस्त है, और यहाँ वीडियो शूटिंग के लिए एकदम दूर दूर से लोग आते हैं, जो कि यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आने के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के लिए रास्ता
सीधा खूंटी का ऊपर चौक से डायरेक्ट तैमरा रोड में आना है। तैमरा रोड से डीएवी स्कूल से कुछ आगे जो कि माधुकम डी वाला गांव में जो गली वाला घुसता है वही वाला रोड में सीधा घुसना है और यहां सीधा आके पहुंच जाइएगा डायरेक्ट बांदू गुटू, जो कि यहां का नज़ारा देखने आ सकते हैं और यहां फोटोशूट वगैरह वीडियो बनाने वगैरह जो कुछ सब कुछ आप आ सकते हैं। देखिए दोस्तों एसडीओ तालाब का कितना मस्त नज़ारा, देखिए उधर भी लड़का लोग हैं, देखिए कितना मस्त वो लोग बैठा है और इधर नज़ारा बहुत मस्त, जो कि बैठ के आराम से इधर आराम कर सकते हैं, जो कि इधर पे बैठने के लिए जगह है और वहां पर भी है। दोस्तों कितना मस्त है यहां का नज़ारा, जो कि वीडियो शूटिंग के लिए यहाँ अभी लड़का लोग आया था, चल गया, हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो दिखाते आप लोगों को, जो कि यहाँ भी बहुत वीडियो बनाने के लिए अच्छा जगह है, जो कि वीडियो बनाने के लिए यहाँ दूर दूर से आदमी लोग आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना मस्त है। तो दोस्तों एसडीओ तालाब अगर आना चाहते हैं तो यहाँ का रास्ता है बजरटांड से चाईबसा रोड में आइए और यहाँ से आते टाइम बायां साइड में देखिएगा एक एसडीओ तालाब खूंटी लिखा हुआ रहेगा बोर्ड, जो कि वहीं से घुसेगा और सीधा पहुँचेगा एसडीओ तालाब और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और हेलो दोस्तों अभी आए हैं कमंता डैम और कमंता डैम का नज़ारा कुछ इस तरीका से है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा, एकदम जितना दूर दिखाई दे रहा है कमंता डैम है दोस्तों, दिखना देखने से कितना मस्त लग रहा है दोस्तों एकदम। तो दोस्तों कदमा डैम आने के लिए दो रास्ता है, दो रास्ता में से पहला तमाड़ टू खूंटी रोड में आइएगा तो कदमा जगह एक इमैनुअल स्कूल है, वहाँ से सीधा लेफ्ट साइड घुस जाना है और घुस के सीधा कमंता डैम पहुँच जाएगा और दूसरा एसडीओ तालाब से होते हुए भी पहुँच सकते हैं यहाँ। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ के पूरे मज़े ले सकते हैं, जो कि इधर फोटोशूट वगैरह वीडियो शूटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो दिखाते हैं कुछ सीधा यहाँ का नज़ारा। Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting, cause I'm feeling like you. I are perfect. I don't wanna be sorry. I don't wanna think every night about how we've been so blind. So sad. I'm waiting till it's too late.
तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए क्योंकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, अभी तक मतलब कौन वाला पर आप लोगों को ज़्यादा पसंद में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और